सस्ते कपड़ों में देखा जाए तो आज पॉली नेटिंग, सबसे पहले सिल्की कपड़ा चलता था, सिल्की के बाद डॉबी आया, डॉबी के बाद अभी पॉली नेट आ रहा है जो सिल्की और डॉबी को पूरी तरह खा चुका है। पॉली नेटिंग में क्या है, कपड़ा पॉलिस्टर है, कपड़े में चमक है और सबसे बात हर कलर इसमें पकड़ रहा है, वो चाहे डस्टी कलर हो, इंक ब्लू हो, केमिकल हो, स्टोन हो, RX हो, DX हो, जो भी कलर है सब कलर प्रॉपर पकड़ रहा है और अच्छी रेंज में आ रहा है, लो रेंज। पहनने में देखा जाए तो अभी ठंडियों के मौसम में तो अच्छा था क्योंकि पुनी फिट तो ज़्यादा लाइक्रा कपड़ों में चलता है, लेकिन नैरो फिट और स्लिम फिट जीन्स पॉली नेटिंग में अच्छी बन रही है और अच्छा बिक भी रहा है, और कंफर्ट जो पहले डॉबी में बनता था अभी पॉली नेटिंग में कन्वर्ट हो गया। पॉली नेटिंग में भी कंफर्ट जो जीन्स का फिटिंग है वो भी आ रहा है, नहीं आता कि पॉली नेटिंग दिखता तो सब सेम तरह है, फिर हम पहचाने इसमें पॉली नेटिंग अच्छा कौन सा है और पॉली नेटिंग थोड़ा लो रेंज का कौन सा है, क्योंकि खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कपड़ा नहीं समझ पाते कि हमको कौन सा कपड़ा आ रहा है, तो अच्छा नेटिंग का आ रहा है कि पॉली नेटिंग का आ रहा है। तो ये दो जीन्स मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से अच्छा पॉली नेटिंग कौन सा है, और थोड़ा दो जीन्सों में हम आज देखेंगे कि पॉली नेटिंग में कौन सा हाई कपड़ा है और कौन सा थोड़ा लो कपड़ा है, आइए। ये दो पीस पॉलिनेटेड कपड़ा मैं निकाला हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये थोड़ा हैवी कपड़ा है और ये थोड़ा लो ग्रेड का कपड़ा है, पहचान बिल्कुल सिंपल सी, जैसा वीडियो में पहले भी बता रहा हूँ कि कपड़े की सबसे अच्छी पहचान उसकी देखनी है तो कपड़े के पीछे बाई पीछे साइड से मालूम पड़ता है, कपड़े के बैक साइड से। जो हाई रेंज के कपड़े होते हैं, जो अच्छे कपड़े होते हैं, जो हाई रेंज के कपड़े होते हैं, उनमें देखिए जो धागे का होता है ताना बाना, देख रहे हैं इसका लाइनिंग और थ्रेड्स इसके देख रहे हैं, बहुत ही घने होते हैं। इसके जो पैटर्न्स होते हैं, जो व्हाइट वाले पैटर्न्स हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत घना हुआ बुना हुआ कपड़ा है, जिसमें जो मात्रा है, जो धागों की मात्रा है, ये व्हाइट वाले और ब्लू वाले ये लगभग सिमिलर हैं, सिमिलर देखो देखने को मिल रहा है, जितना लगभग व्हाइट है उतना ही लगभग डार्क जो इंडिगो थ्रेड्स हैं वो भी हैं। कहने का मतलब कि जो कपड़े की जो बनावट है, उसका जो वजन है, अगर वजन सिमिलर है तो कपड़े के अंदर की जो बनावट है, जो धागे के जो पैटर्न है उल्टे बाजू, उससे आप क्लियर मालूम कर सकते हैं कि नेटेड ये जो पॉली नेटेड कपड़ा है कैसा है, हल्का। ये जो सेकंड पॉली नेटेड है, जो थोड़ा लो रेंज का कपड़ा है, इसका बनावट देखिए, इसके जो ताना बाना छेड्स हैं, जो धागे हैं, इसका व्हाइट वाला भाग देखिए, जो पॉलिस्टर वाला भाग है, ये कितने अधिक मात्रा में है। इसका जो इंडिगो आप देख रहे हैं, इंडिगो लगभग इसमें ना के बराबर बिल्कुल पतला दिख रहा था, वो हाई क्वालिटी रेंज में देखे थे कैसा दिख रहा था, लगभग लगभग सेम था, वाइट और इंडिगो दोनों दिख रहा था, लेकिन इसमें जो काउंट की संख्या, वाइट जो है काउंट की संख्या वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो लाइनिंगें हैं, जो वाइट वाले पैटर्न्स हैं, ये भी काफ़ी दो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े का मतलब कि देख ही रहे हैं कितने बड़े बड़े मात्रा में, मतलब थोड़ा जो है ये बोलते हैं ना जैसा जल्दबाजी में बनाया गया है, तो ये कहने का मतलब वही है कि थोड़ा जो लो रेंज का कपड़े हैं वो थोड़े ऐसे दिखते हैं बनने में। अब देखते हैं दोनों को नज़दीक लगा के, ये देखिए आप आराम से देख सकते हैं कि क्या डिफरेंट है दोनों में, वाइट और इंडिगो का, जो ब्लैक कपड़ों का, इसमें का जो लाइनिंगें हैं देख सकते हैं, एक्चुअली देखा जाए तो ये लेफ्ट साइड की तरफ भाग रही हैं, इसमें का जो लाइनिंग्स है वो लेफ्ट साइड में भाग रही है, और जो हमारा ओरिजिनल का जो अच्छी क्वालिटी का जो पॉली नेटिंग था उसमें राइट साइड की तरफ लाइनिंगें भाग रही थी। ये भी देख, वो लेफ्ट और राइट का जो विप्स होता है ये भी लगभग लोग कपड़ों में नज़र आता है, 3x1 में तो ज़्यादा फर्क नहीं रहता,
लेकिन जो पोलिनेटेड कपड़ा है या तो हाई रेंज के कपड़े हैं कॉटन नेटिंग, उनमें व्यूप्स का काफ़ी महत्व होता है कि लेफ्ट लाइनिंग में है या राइट लाइनिंग में है। ऊपर का व्यू देखेंगे तो जो अपना हल्के क्वालिटी कपड़ा है, देखिए थोड़ा लो रेंज का, उसमें की लाइनिंगें कैसी है। और ये जो लाइनिंगें है ये अपने थोड़ा हैवी कपड़े की है, लगभग लगभग ऊपर से देखने में ज़्यादा डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है, लगभग लगभग सिमिलर दिख रहा है ऊपर का जो वीविंग्स है। लेकिन इसमें जो स्पाइंडेक्स की मात्रा है वो भी कम ज़्यादा रहती है, जो लाइक्रा रहता है वो भी जींसों में कम ज़्यादा रहता है। थोड़ी अच्छी क्वालिटी में अगर है तो थोड़ा स्पाइंडेक्स उसमें जो लाइक्रा होता है थोड़ा अधिक मात्रा में होता है, और जो थोड़ा लो कैटेगरी की है पोलिनेटेड जींस उनमें स्पाइंडेक्स लगभग ना के बराबर रहता है, तो इसमें ज़्यादातर उसमें लाइक्रा नहीं होता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये दोनों जीन्स का पोलिनेटेड में दोनों अच्छी क्वालिटी और थोड़ा लो क्वालिटी का आपको समझ में आया होगा कि क्या पहचान है, क्या आइडेंटिटी है। और दोस्तों वीडियो को आपको लाइक करना है, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, और ये वीडियो आपको जैसे मिला है वैसे आपका प्यार आना चाहिए लाइक और सब्सक्राइब के साथ। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसा ही कुछ लेके अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।